Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. इस वीडियो में हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया के बारे में अगर बेसिकली जानना है तो सबसे पहले ये फिगर देखते हैं। ये है आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को कभी भी दो चीज से डिफाइन किया जाता है। एक होता है उसका लेंथ एंड एक है ब्रेथ। और इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड से वो एक दूसरे से इक्वल होता है, और जो लॉन्गर साइड है उसे लेंथ, शॉर्टर साइड है ब्रेथ। ठीक है, तो अगर इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने बोला, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, इसका जो ये फेस है मतलब एक सरफेस से ऊपर का, ये इसमें कितना एरिया कंपोज है, दैट इज व्हाट द सरफेस एरिया मींस। तो अगर ये पूरा पार्ट अंदर का डिटेल्ड में, दैट इज द सरफेस ऑफ अ रेक्टेंगल। सो इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, रिकॉल करेंगे, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। उसी तरीके से रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस हमारा बनता है स्क्वायर, जिसमें ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो इसका अगर मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया यानी कि ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ही होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का है। लेकिन यहाँ पे जितने भी साइड्स है वो सब सेम होते हैं मेजर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों का वैल्यू सेम होता है इस केस में। तो ये हो जाएगा साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो यानी कि साइड का स्क्वायर। तो उसी तरीके से अगर ये जो रेक्टेंगल पड़ा, इसको अगर मैं थ्री डायमेंशनली ड्रॉ करूं, ये जो रेक्टेंगल का थ्री डायमेंशनल फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसे बोलते हैं क्यूबॉइड। इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें छह फेसेस होते हैं। एक ऊपर का ये हो गया टॉप, फिर ये नीचे का बेस यानी कि बॉटम बोल दो, फिर ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, ये लेफ्ट साइड एक रेक्टेंगुलर फेस, ये राइट साइड एक रेक्टेंगुलर फेस। तो एक क्यूबॉइड में टोटल छह रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो अगर एक रेक्टेंगल होता है तो उसका सरफेस एरिया कितना था, अगर एक रेक्टेंगल है तो उसका सरफेस एरिया था लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे टोटल छह सरफेस है, हर एक सरफेस का आपको एरिया निकालना होगा। यानी कि अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ऑल दिस सिक्स रेक्टेंगल्स। यानी कि अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला है, तो आप किसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ऑल द सिक्स रेक्टेंगल्स। ओके, तो यहाँ पे अब जैसे रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ एंड ब्रेथ होता था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी लेंथ है। लेंथ यानी जितना लंबा है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी फिर क्यूबॉइड कितना लंबा है वो, फिर ये हो जाएगा ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई ये वाला, एंड ये उसकी हो जाएगी हाइट, यानी कि वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका या फिर क्यूबॉइड जो है वो कितना ज्यादा ऊंचा है, दैट इज द हाइट। ओके, सो अगर रेक्टेंगुलर मुझे इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है क्यूबॉइड का, तो वो हो जाएगा टोटल छह फेस है। अगर मैंने बेस और टॉप कैलकुलेट किया, तो बेस में क्या है, लेंथ है एंड ब्रेथ है, ऊपर भी टॉप में लेंथ है एंड ब्रेथ है, राइट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है LB, ठीक है, फ्रंट का लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया, और वैसे ही बैक में हाइट और लेंथ, तो उसका हो जाएगा LH। और अगर मैंने साइड वाइज देखा, लैटरली देखा, तो बेस है एंड हाइट वहां पे है, तो बेस इंटू हाइट, तो आपका, और ये कितने हैं टोटल, LB वाले दो, LH वाले दो, BH वाले दो, यानी कि टोटल छह फेसेस है। तो छेयों का मुझे एरिया निकालना है, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच।
सिमिलरली ये जो हमने स्क्वायर पढ़ा उसको अगर मैं थ्री डायमेंशनल फिगर बनाऊं अरे तो एक क्यूब बन जाएगा, जैसे आपने रूबिक्स क्यूब देखा ही होगा। तो इसका अगर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, क्यूब में क्या होता है कि जो उसका लेंथ है, फिर ब्रेथ है और ये जो हाइट है, तीनों तीनों का वैल्यू सेम होता है। यानी कि अगर मैंने उसको एक को एस अज्यूम किया या फिर साइड बोला, तो सरफेस एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर्स का एरिया। तो एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो ये 6 टाइम्स साइड स्क्वायर विल बी द आंसर फॉर टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। वैसे एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था। तो अगर लैटरल सरफेस एरिया बोला, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है साइड वाइज, इसमें आप टॉप व्यू और बॉटम व्यू को नहीं काउंट करते। तो अगर मुझे क्यूब का निकालना होगा तो क्यूब में हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसमें से 4 साइड्स कंसिडर हो रहे हैं, 4 फेसेस, तो 4 टाइम्स साइड स्क्वायर। सिमिलरली अगर क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, लैटरल काउंट करना है यानी कि टॉप और बेस हट जाएगा, यानी कि टॉप में कौन सा था, लेंथ और ब्रेथ वाला पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ वाला पार्ट हट जाएगा। तो जो ये हमारा फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया, उसमें चेंज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर LH प्लस BH, LB वाला पार्ट हट गया। तो अगर दोनों में देखोगे तो H कॉमन है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो जाता है 2 टाइम्स H टाइम्स L प्लस B। अब देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया तो समझ में आ गया कि ऊपर ही कितना एरिया होता है, एक ऑक्यूपाई करता है क्यूबॉइड या फिर एक क्यूब होता है वो। अब वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम का मतलब क्यूबॉइड का जो वो जो बॉक्स होता है, क्यूबॉइड बोलो या बॉक्स बोलो, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कोई भी सामान स्टोर करने की। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं इसके अंदर चेक करूंगी कि मुझे कितनी जगह मिल रही है, खाली स्पेस मिल रहा है जहाँ पे मैं कोई सामान ऑक्यूपाई कर पाऊँ। सिमिलरली फॉर क्यूब, अंदर की कैपेसिटी इज कॉल्ड द वॉल्यूम। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब में सेम होता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा साइड का क्यूब। एंड फिर अगर हमें यूनिट्स निकालने हैं, यूनिट्स फाइंड करना है, तो यूनिट्स के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, अगर एरिया बोला है कोई भी चीज का, टोटल सरफेस एरिया हो गया या फिर लैटरल सरफेस एरिया हो गया, तो वहां पे अगर नॉर्मल जो डाइमेंशंस अगर आपको मीटर्स में दिया है तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर डेसीमीटर में दिया है तो डेसीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम में आप 3 डाइमेंशंस को मल्टीप्लाई करते, तो इसमें यूनिट्स हो जाएंगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर दिस यूनिट्स प्रॉपरली, क्योंकि ये चैप्टर में जितना ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मूला लर्न करना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसका यूनिट्स मेंशन करना एग्जाम में, वरना इसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं। तो एक बार वापस से समराइज करके इसके पूरे फॉर्मूला कम्प्लीटली लिख देते हैं। एक क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। लैटरल सरफेस एरिया LSA, उसका फॉर्मूला होता है 2H टाइम्स L प्लस B। और फिर लेंथ ऑफ डायगोनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ L² + B² + H² और इसके जो वॉल्यूम है उसके यूनिट्स हमेशा क्यूबिक यूनिट्स ही होते हैं,
जैसे कि अगर मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया या डेसीमीटर क्यूब हो गया, अकॉर्डिंग टू द गिवन डायमेंशन, और एरिया के यूनिट्स होते हैं स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर डेसीमीटर स्क्वायर। क्यूब में सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, या तो उसे साइड बोलो या तो एज बोलो। यहाँ पे मैंने ए अज्यूम किया है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है साइड का क्यूब यानी कि ए का क्यूब टोटल सरफेस एरिया 6 टाइम्स साइड स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया 4 टाइम्स साइड स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल रूट 3 टाइम्स साइड। और इसके जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होते हैं, या तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब, जैसे डायमेंशन क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है, या तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर डेसीमीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट्स की कन्वर्जन है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब से लीटर्स में, लीटर में से मिलीलीटर्स में, ये सब जो कन्वर्जन है ये आपको याद रखने चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, और जो इसके बाद वाला वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।